हेलो भाई जी, वेलकम टू माय चैनल ए सूर्य बुटीक। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगी। तो ये टिप्स क्या है, जो कि पैंट भी हम डालते हैं तो पैंट उठती है और गिदरी की साइड से यहाँ से भी इस तरह से खिंचा हुआ आता है पैंट में, तो वो किस वजह से आता है, तो ये बिल्कुल ध्यान से देखें। ये देखिए, मैंने पैंट प्लाजो को बैक को उठा के कटिंग किया हुआ है इसमें, और ज़्यादातर बहनें क्या करती हैं कि फ्रंट और बैक को सेम ही कटिंग कर लेती हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमारी पैंट पीछे की तरफ उठी उठी रहती है और भाई खिंचाव पड़ता है। तो हमें ये इसको 2.5 से 3 इंच बैक को उठा के कटिंग करना चाहिए, जैसे कि ये मैंने कटिंग किया हुआ है। ये देखिए यहाँ से, और ये आसन के हिसाब से हमें उठा के कटिंग करना है। ये नहीं है कि भाई हैवी साइज है और नॉर्मल साइज है, सभी में आप 2.5 से 3 इंच उठाओगे तो 4 इंच भी उठा सकते हो, 3.5 भी, वो साइज के हिसाब से उठाना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे, और जो यहाँ गिदरी की साइड से जब हम पैंट या प्लाजो को डालते हैं तो ये ऐसे खिंचाव में रहती है, तो वो क्यों रहती है, तो इस यहाँ से हम मोरी रख लेते हैं। जैसे कि मैंने मोरी रख रखी है, तो मोरी हम 6 इंच रखेंगे, तो इस 6 इंच को हम इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। तो स्ट्रेट करने के बाद हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो हमारी यहाँ पर गिदरी में खिंचाव पड़ता है। तो हमें इसे स्ट्रेट ना लेते हुए इसको यहाँ से इस तरह से तिरछा कट करना है। ये जैसे कि मैंने तिरछा कट किया हुआ है, तो हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो हमारा यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा। तो बहुत ही अच्छी टिप्स है और बहुत आपके काम आएगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।